अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन नूडल्स बनाने की रेसिपी। आप इसे बटर चिकन भी बना सकते हैं, तो चिकन वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा। और ये नूडल्स बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होंगे, ये कह लीजिए उससे भी काफ़ी बेहतरीन बनके तैयार होंगे। इसे बनाने के लिए मैंने चिकन ली हूँ 4 किलो। तो चिकन को मैं इस तरह से लंबी लंबी कट कर ली हूँ, कट करके ले लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। उसके बाद हम डालेंगे विनीगर, तो विनीगर भी मेरा ये 1 चम्मच है। 1 चम्मच विनीगर डालेंगे और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। आप चिकन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो बस इससे कम मत कीजिएगा, 1.25 किलो से तो कम भी मत कीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच डालना है अरारोट का आटा और 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च की पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। बस सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। वीडियो पे आप मत जाइएगा कि वीडियो काफ़ी अलग दिख रहा होगा। ये जो मैंने बना रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही, ये मेरी बहन की रेसिपी है, माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब बनाती है वो। तो मैं इसके लिए उसका रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ज़रा सा ही पसंद आई हो तो कीमती रह गया ज़रूर कीजिएगा। बस उसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। उसके बाद ये मैंने कुछ कट कर ली हूँ, कांदा, शिमला मिर्ची और ये पत्ता गोभी। आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं, इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं, मैं इसके बिना ही बना रही हूँ। तो बस उसके बाद ये पानी गर्म करने, उसको काट के साइड में रख दिए और यहाँ पे पानी गर्म कर लिए। पानी हमारा गर्म हो चुका है तो हमारे नूडल्स डाल देंगे। तो बस यहाँ पे नूडल्स देखें, मेरा पतला वाला है। इस बात का ध्यान रखना जब भी ख़रीदें तो देख के ये पतला वाला ही ले, मोटा वाला ना ले, क्योंकि पतले वाले में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए पतला वाला ही ली हूँ मैं। और उसके बाद तो गर्म पानी में डाल देंगे और अच्छे से भिगा देंगे, यानी अच्छे से डुबा देंगे, डूब जाना चाहिए। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर खींचेंगे ना, तो खींचने में देखेंगे आपका रबड़ जैसा खींच के टूट रहा है, रबड़ जैसा खींच के टूट रहा है ना नूडल्स, तो आपका परफेक्ट कुक हो चुका है। बस इसी टाइम पानी सारा निकाल देना है, गर्म पानी निकाल के उसके बाद ठंडा पानी से अच्छे से धो लेना है, मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी से धो लेना है। उससे क्या कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा वहीं पे। और उसके बाद अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप थोड़ा तेल, 2 चम्मच तेल डाल के अच्छे से मिक्स करके और फ्रीजर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इसे। और नहीं तो ऐसे ही बनाना है तो फिर बस धो लिए, धो के साइड में रख देंगे, सारा पानी छन्नी में सारा पानी निकल जाए। बस उसके बाद हम इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ पे मैंने ले ली हूँ 1 डेगची में, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा नूडल्स है, इसके हिसाब से मैंने डेगची ली हूँ। तो डेगची में मैंने डाली हूँ 2 चम्मच तेल और जो चिकन हमने मेरीनेट करके रखे थे वो चिकन हमें डाल देना है। तो जब तक हमारा नूडल्स उबाले हमने, उतने टाइम चिकन हमारा मेरीनेट करके रखा हुआ था, मतलब मिक्स करके। तो बस 2 चम्मच तेल डाल के हमने चिकन डाल दिया। चिकन को मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं, हल्का ही फ्राई करेंगे तो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ये, क्योंकि पतला पतला कट किया हुआ है ना इसके लिए। तो बस ये यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो बस चिकन को हमारा निकाल लेंगे। चिकन हमारा निकाल लिए हमने। सेम पतीले में 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1.5 चम्मच लहसुन की कली चॉप करके डालेंगे और लहसुन को हल्का सॉफ्ट होने देंगे। तो लहसुन हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाए इतना हमें फ्राई करना है, लाल नहीं करना है। ये सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही होगा। अब हम कांदा डाल देंगे, क्योंकि चाइनीज डिश है, चाइनीज डिश हमेशा हाई फ्लेम पे ही रहता है, क्योंकि हल्का क्रंचीपन इसमें रहना चाहिए। अगर आप लो करके बनाएंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस सभी, जो भी सब्ज़ी आपने काट के रखे सभी सब्ज़ी को डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है। और यहीं पर आपको अगर आपने गाजर ला के रखे हैं तो गाजर भी डाल दें इसी टाइम ही, और हरा कांदा भी डाल सकते हैं, और जो नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ उस टाइम चिकन भी डाल देना है। सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हमारा नूडल्स डाल देना था। यहाँ नूडल्स देखे कितना खिला खिला है हमारा माशाल्लाह से, तो हमने जो फ़ौरन धो लिए थे ना उसकी वजह से ये खिला खिला है। अगर आप धोएंगे नहीं तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए ध्यान से उसको धोना है। उसके बाद 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाली हूँ चिली सॉस, 1 चम्मच विनीगर। तो चिल्ली सॉस आप बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम भी कर सकते हैं। 2 चम्मच डार्क सोया सॉस। तो बस इसे इतने ही सॉस मैंने डाली, इसी से ही काफ़ी बेहसाब बन जाता है माशाल्लाह से। और इस टाइम मैंने नमक भी इसी टाइम डाल देना है आपको। नमक का वीडियो नहीं हो सका, मैं नहीं वो ऐड हुआ था तो मैं बता दे रही हूँ, आप नमक इसी टाइम डाल दीजिएगा। और सॉस में भी नमक होता है तो इसके लिए हिसाब से नमक डालिएगा।
अब बस सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। तो बस दो चम्मच की मदद से मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये काफ़ी क्वांटिटी में ज़्यादा था इसके लिए थोड़ा सही से नहीं मिक्स हो पा रहा था, लेकिन बाद में मैंने अच्छे से मिक्स कर ली थी इसे, तो माशाल्लाह से बन के तैयार है। देखिए, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है बस, कि जब हमने लोटस उबाले हैं तो देखेंगे खींच के रबड़ की तरह टूट रहा है, तो बस परफेक्ट ये कुक हो चुका है। उसी टाइम लोटस को निकाल के और ठंडा गर्म पानी छान देना है। छानने के बाद उसको अच्छे से धो लेना है, बस ठंडे पानी से धो के साइड में रख देना है छन्नी में, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और बस कि आपका लोटस माशाल्लाह से एकदम खिला खिला बनेगा। और आपको जो सब्ज़ी इसमें बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हैं, कम करना है कम भी कर सकते हैं, चिकन के बिना भी बना सकते हैं माशाल्लाह से। जिस तरह से बताइए बस कम मसालों में ही काफ़ी बेहिसाब बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपने कीमती राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।